हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज एक्सटेंसिवली सॉफ्टवेयर डिजाइन में होता है। तो पहले अपन ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन होता क्या है। सॉफ्टवेयर डिजाइन सेकंड फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। फर्स्ट फेज जो होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस होता है। ठीक है, जो SRS डॉक्यूमेंट बनता है इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उससे अपन एक सॉफ्टवेयर कोड करने के लिए इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिकली बोल सकता हूँ मैं कि डिजाइन प्रोसेस है प्लस डिजाइन मॉडल है। डिजाइन प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट इनेबल्स डिजाइनर टू डिस्क्राइब ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी। तो कंस्ट्रक्शन या इम्प्लीमेंटेशन से पहले अपन सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन की एक प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, उस प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसकी मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मॉडलिंग के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट सुटेबल है, जो कि ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने भी एक्सेप्टेड किया हुआ है और 2005 में ISO सर्टिफाइड भी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के लिए बेटर सुटेबल है। सो UML इज जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू विजुलाइज द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, एक ओवरऑल डिजाइन अपने को मिल जाएगा, आर्किटेक्चर मिल जाएगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ UML डायग्राम्स। टाइप्स ऑफ UML डायग्राम्स में फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, सेकेंड वन इज बिहेवियर। स्ट्रक्चरल के अंदर फर्स्ट डायग्राम क्लास डायग्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में क्लास डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन शो करने के लिए क्लास डायग्राम का यूज करते हैं। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम को स्टैटिक डायग्राम भी बोलते हैं। स्टैटिक स्ट्रक्चर शो करता है ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, अगर मुझे क्लास डायग्राम की एक्यूरेसी चेक करना है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट्स को रन करके उसका मैं ऑब्जेक्ट डायग्राम बना सकता हूँ। थर्ड वन इज कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, लाइक रन टाइम लाइब्रेरीज या एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। ठीक है, उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए कंपोनेंट डायग्राम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूजुअली एक हार्डवेयर ओरिएंटेड डायग्राम होता है। ठीक है, अगर अगर मैं रन करता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर को या डिप्लॉय करता हूँ तो उस टाइम पर जो अपनी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो कौन कौन से डिवाइसेज के थ्रू या कौन कौन से हार्डवेयर से होकर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंसर्स के थ्रू या फिर नेटवर्क्स के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर लेयर के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर शो कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम में। नेक्स्ट इज पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम मैं बोल सकता हूँ सबसेट ऑफ क्लास डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पर्टिकुलर पैकेजेस की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के बीच में अगर मुझे डिपेंडेंसी शो करना है तो मुझे पैकेज डायग्राम का यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। अगर मुझे क्लास डायग्राम के इंटरनल पार्ट को शो करना है, डिस्क्राइब करना है, तो मैं कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम यूज कर सकता हूँ। सेकेंड इज बिहेवियर डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम में फर्स्ट है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो है उसमें फंक्शनलिटी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज केस डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर से कौन कौन सी एंटिटीज इंटरेक्ट करने वाली है ये भी इससे पता लग जाता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम एक डायनामिक स्ट्रक्चर शो करता है या डायनामिक बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब यह है कि जैसे फ्लो चार्ट आपने देखा होगा, प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्लो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी डायग्राम में वो शो होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर तीन डायग्राम होते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन और कोलाबोरेशन डायग्राम। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन शो करना है या कोलाबोरेशन शो करना है तो कम्युनिकेशन डायग्राम का यूज़ करूँगा मैं। सीक्वेंस डायग्राम में डिफरेंट क्लासेस के बीच में सिक्वेंशली क्या हो रहा है, टाइम ओवर टाइम क्या हो रहा है वो शो करने के लिए मैं सीक्वेंस डायग्राम का यूज़ करता हूँ। टाइमिंग डायग्राम, अगर मुझे शो करना है किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं या क्या क्या फंक्शनलिटी या क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म हुई है तो उसको एक्स और वाई जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं वैसे ही इसको टाइमिंग डायग्राम को शो कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम यूजुअली कोई ऑब्जेक्ट होता है, सपोज किसी ऑब्जेक्ट के कारण कुछ रिएक्टिव या कोई रिएक्शन हुआ है या किसी पर्टिकुलर इवेंट को ट्रिगर करता है तो यहाँ पर स्टेट मशीन डायग्राम का यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।